हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। मैं वधु पांडे। आज से मैं फोटोशॉप की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं जो प्लान रेंडरिंग होती है उसको बताऊंगी। फोटोशॉप से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, वो देखने तो देख लो, सब कुछ मैं ऐड कर दूंगी। शुरू करते हैं। तो मैंने जो एक प्लान था ऑटोकैड से, उसको प्रिंट वगैरह लेके सेव कर लिया है पीडीएफ में, तो उसको मैं पहले ओपन कर लेती हूँ। फाइल में गए, ओपन, ये ओपन कर लिया मैंने, और इन सब में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। देन ओके। अभी ये प्लान है, अभी इसमें मेरा बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बैकग्राउंड नहीं दिखता है। तो क्या करना है, मैं सिंपली एक न्यू लेयर लेनी है और इसको यहाँ पर मुझे कोई सॉलिड कलर दे देना है। मैंने ब्लैक दे दिया सपोज़, और इस लेयर को नीचे ले लो। अभी दिख रहा है ये बराबर? ओके। कोई और भी कलर ले सकते हो, तो जो मर्जी आए ले लो, ये नहीं है, ब्लैक ही अच्छा लगता है। ओके। अभी क्या करना है मुझे, इसमें पैटर्न्स ऐड करने, पीएनजीज ऐड करना है। तो आज मैं ये एरिया पे ही फोकस करने वाली हूँ। तो अभी मैंने ये लेयर सेलेक्ट की हमारी प्लान वाली, इधर से देखो, ऑन ऑफ करेंगे तो पता चल जाएगा ये लेयर कौन सी है। मैं इसको डबल क्लिक करके रीनेम कर लो। फिर अभी यहाँ पे गए सिलेक्शन में, मैजिक वॉन्ड टूल, मेन पे सेलेक्ट किया, ये देखो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी देखो ये प्लांट में मिस हो रहा है ना, तो क्या करो, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल ले लिया, शिफ्ट प्रेस किया और ये पूरा ऐसे प्रॉपरली सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये क्या है, सेलेक्ट हो गया है। अभी थोड़ा इसको जूम करो, कंट्रोल प्लस से जूम होगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा। तो अभी देखो यहाँ पर भी थोड़ा मिस है। अभी क्या करती हूँ मैं, वापस से मैजिक वॉन्ड लिया, शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करना भूलना मत वरना बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। तो अभी मुझे इसमें पैटर्न ऐड करना है, तो पैटर्न के लिए तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, पैटर्न में गई। तो अभी ये जो मेरे पहले के सेव हुए पैटर्न्स हैं, ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर देती हूँ। अगर मुझे पैटर्न ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगी, तो अभी इसमें गए, एक ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हम लोग कोई भी पिक्चर या कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, तो एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाला बता देती हूँ। अभी सपोज़ मुझे ये चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया फोटोशॉप में, इधर ओपन कर लिया, एडिट में गए, डिफाइन पैटर्न, ओके। ठीक है, तो अभी ये जो पैटर्न है इस पर अगर डबल क्लिक करके मुझे चेंज करना है, तो मैं जैसे चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है, बट वही अच्छा लग रहा था तो मैं वही लगा दे रही हूँ। ओके, ठीक है, इसको स्केल करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे स्केल भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट टाइप भी कर लो। ठीक, अभी यहाँ पे मुझे सोफे का पीएनजी लगाना है, तो मैंने पीएनजी अपने डाउनलोड करके रखे हैं। तो अभी जैसे ये मैंने फ़ोटो ले ली, इसको मैंने ड्रैग किया एंड ड्रॉप, और ये जो टूल है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी। अभी देखो इसमें ये वाइट पार्ट आ गया है, तो इसको क्या करना है, डिलीट, सेलेक्ट किया मैजिक वॉन्ड टूल और डिलीट। देखो डिलीट डायरेक्टली होगा नहीं, तो क्या करना है, देखो सेम लेयर है, राइट क्लिक, रास्टराइज, देन डिलीट, फिर डिलीट हो गया। देन ये जो सेलेक्शन है इसको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल टी वापस किया, और ये हम लोग सोफ़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अभी देखो ये पार्ट जो है वो एक्सेस है ना, नहीं चाहिए, तो इसको क्या करो, ये मेन लेयर में हो, प्लान में जाओ, वो तो वॉल में, अगर वो अलग से हैश तो मैं कर ही दूंगी, पर अभी इसको डिलीट कर दिया जो एक्स्ट्रा था। अभी देखो यहाँ पे हमारा वो पैटर्न नहीं आया वुड वाला, तो इसको वापस से ज़रा मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। थर्टी फाइव था ना, तो डायरेक्ट टाइप कर दो, तो कभी वो मैच हो गया।
ओके अभी यही सोफा में इधर कॉपी कर लेती हूँ। तो कॉपी करने के लिए क्या होगा, ऑल्ट एंड ड्रैग, ये लेयर को सेलेक्ट किया, ऑल्ट एंड ड्रैग, देन कंट्रोल टी अगेन किया और इसको प्लेस कर देती हूँ। कंट्रोल प्लस करके जूम करके हम लोग बराबर से सेट कर देते हैं इसको। वैसे इधर भी मैं डिलीट कर दूँगी। अब ये थोड़ा सा इसको पतला कर दिया है तो इसको भी थोड़ा वैसे ही कर दूँ, दोनों थोड़ा एक जैसा दिखे। अभी देखो यहाँ पे भी पैटर्न मिस हो गया है, मेन लेयर में ठीक है। और ये जो व्हाइट वाला है तो इसको बाद में ऐसे डिलीट भी कर सकते हो, मतलब जो ऑटो कैड की फाइल का है, और फिर यहाँ पे भी चला जाएगा। तो कंट्रोल प्लस कर लो और फिर यहाँ पे सिलेक्शन मैजिक वॉन्ड में जाओ, वाइट वाला सेलेक्ट करो और डिलीट। तभी यहाँ पे भी पैटर्न वापस से लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ही सेलेक्ट किया कि पैटर्न में चले जाती हूँ और ये पैटर्न लिया। तो ये सब अगर हम लोग पहले से ही सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे ना तो भी अच्छा, देखो तो फिट तो हो गया वो। वैसे हम लोग इधर भी कर सकते हैं। अब फिर मैं सोफे को ही थोड़ा सा इधर मूव कर देती हूँ, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें मैं सेंटर टेबल लगाती हूँ, ओके। तो ये एक बेसिक सा थोड़ा सेट हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा इसको रियल बनाना है। तो इसके लिए राइट क्लिक करो, पैटर्न, तो ये देखो डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया। फिर ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इसमें जो यहाँ पे ड्रॉप शेडो, ये देखो इसका शेडो आएगा, तो इसका मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। ये देखो इधर आ रहा है, अपने हिसाब से यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वैसे मैं इसको भी कर देती हूँ, कॉपी लेयर स्टाइल किया, उसी में पेस्ट कर दिया। क्या किया, राइट क्लिक, कॉपी लेयर स्टाइल। अभी जैसे मेरा ये है, ये पेस्ट लेयर स्टाइल, फिर ये प्लांट को भी ऐसे ही कर लेते हैं, प्लांट में और इसमें दोनों में।
और जहाँ पे ऐसा ज़रूरत है वहीं पे लगाओ, नहीं ज़रूरत है तो मत लगाओ। अब जैसे यहाँ पे टेबल भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अभी इसमें भी मैं लेयर को अपना पैटर्न ऐड कर देती हूँ। ओके, परफेक्ट मैच, इतना हो गया। अभी इसमें हमें लाइट इफ़ेक्ट भी ऐड करना है। तो अगर मैं लाइट के लिए, अगर यहाँ पे विंडो है, अगर मैं इधर से लाइट दिखाऊं जाते हुए, तो क्या करूँगी मैं, सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके एक नई लेयर बना लेती हूँ, या फिर पॉलीगानो लासो टूल। अगर मैं सपोज सोचूँ कि सन इधर से है, कि शेडो वगैरह इधर से है, तो अपने हिसाब से भाई थोड़ा सर्च वगैरह करके कर लेना। अब यहाँ पर मुझे फेदर भी दे देती हूँ, तो शार्प थोड़ा सा ब्लरी एजेस आएंगे, तो बहुत शार्प होगा, वो भी नहीं दिख अच्छा दिखता। रॉन्ग होगा तो बैक स्पेस। अगर मैं इधर से ले, ये मैंने अपने हिसाब से किया है भाई, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से जाओ एक ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये कलर चूज़ करना लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो तभी वो उतना अच्छा आता है। और फिर यहाँ से ओके कर दो, फिर यहाँ से कलर डॉज वगैरह ले लो। और अगर दिखाऊँ मैं विंडोर से आ रहा है, इसको ऑफ कर देती हूँ। अगर मैं ये डोर से दिखाऊँ, तो सन के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है ना। इसको मैं ऐसे टर्न भी कर सकती हूँ। एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको जैसे थोड़ा और चेंज करके। ये अपना कीबोर्ड का वो रहता ना बटन्स, उससे हम लोग, ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी सही है। पर अभी क्या हो रहा है, मेरा ये जो ये ना ज़्यादा शार्प हो रहा है, तो अभी क्या करती हूँ, इसको मैं 6 कर देती हूँ। कैसा लग रहा है वीडियो, जैसा भी लग रहा है कमेंट करके बताओ। और कोई और वीडियोस ऐसे देखने हैं जो मुझे बनाने हों बताओ। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी है, कुछ डाउट रहेगा तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। हाय हेलो स्किप कर दो, जो डाउट रहेगा सिर्फ वही डीएम करो। आप अच्छा लग रहा है, और जरा चेंज करके देखते हो। वही अच्छा लग रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया ना, तो ये चीज़ सुंदर लग रही है। ओके, तो ये फर्स्ट वीडियो तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो जितना जल्दी होगा मैं डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।